सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन का है। बताया गया अ क्वांटिटी एफ इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एच सी पावर 5 बाय जी, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, फाइंड डायमेंशन ऑफ एफ। है ना, मतलब ये कहा गया है कि डायमेंशन ऑफ एफ इज दैट ऑफ, मतलब जो एफ का जो डायमेंशन है वो इनमें से किस क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर है, हमें ये बताना है। ठीक, तो शुरू करते हैं यहाँ से कि जो क्वांटिटी अपना दिया गया है वो दिया गया है h c पावर 5 डिवाइडेड बाई g। तो इसको मैं लिख सकता हूँ h c इंटू सी पावर 4, है ना, c पावर 5 है तो c को मैं अलग कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई जी ये होगा। मैं इसमें लैम्डा जो वेवलेंथ होता है ना उसे डिवाइड कर देता हूँ और मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें पता है कि एच सी बाई लैम्डा जो होता है वो एनर्जी होता है फोटोन का, है ना, तो ये इसका जो भी डायमेंशन होगा वो एनर्जी का डायमेंशन होना चाहिए, एम एल टू टी माइनस टू, ये आता है एनर्जी का डायमेंशन। ठीक, इनटू यहां पर देखेंगे सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन पावर 4, लैम्डा चूंकि लेंथ होता है एक तरह से, है ना, तो इसको एल लिख सकते हैं इसका डायमेंशन, डिवाइडेड बाय जी का फाइंड करते हैं। न्यूटन फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो जी का डायमेंशन निकालना होगा, एफ जो फोर्स है इसका डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, ये आर यानी कि लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया, डिवाइडेड बाई एम वन एम टू यानी एम स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये जी का डायमेंशन आ जाएगा इसे। ठीक, अब जी का डायमेंशन यहां पर मैं रखता हूं, इसको कैंसिल कर देते हैं, एक यहां पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये आएगा एम माइनस वन एल पावर थ्री, एम पावर माइनस वन एल पावर थ्री टी पावर माइनस टू, है ना, तो देखेंगे जितना इसका डायमेंशन है उतना ही डायमेंशन इधर वाले का भी आएगा, है ना, ये एम जो है पावर माइनस वन है ऊपर जाएगा तो क्या आएगा एम पावर वन, देखेंगे एल पावर फोर और प्लस वन, एल पावर फाइव हो गया, एल पावर थ्री है कैंसिल होगा एल पावर थ्री तो एल पावर टू रह जाएगा, यहाँ पर टी पावर माइनस फोर है नीचे टी पावर माइनस टू है तो माइनस टू कैंसिल हो जाएगा तो टी पावर माइनस टू आएगा, तो देखेंगे जितना ये था उतना ही ये भी आया है, क्योंकि इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो ये फाइनली रह जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ये जो है एनर्जी का या वर्क का डायमेंशन होता है, फोर्स का जैसे होता है एम एल टी माइनस टू, उसमें डिस्टेंस यानी एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है जो कि वर्क का एनर्जी का डायमेंशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों में से देखेंगे, पहले दिया है मोमेंटम, दूसरा एरिया, तीसरा एनर्जी और चौथा वॉल्यूम, तो इसमें से केवल एनर्जी है जिसका डायमेंशन उससे मैच करता है ना, तो थर्ड वाला है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया।